सो हेलो दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अमेजोन पे से फ़्लाइट टिकट को कैसे बुक किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पे अमेजोन पे से फ़्लाइट टिकट को बुक कर सकते हैं, ट्रेन टिकट को बुक कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप शॉपिंग करते हैं वहाँ से, और आप रिचार्ज वगैरह सारा कुछ भी आप अमेजोन पे से कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों अमेजोन पे को यूज़ करने से क्या फ़ायदा होगा, आपको कुछ ना कुछ हर एक ट्रांजेक्शन पर आपको कुछ ना कुछ कैशबैक मिलता जाता है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी कुछ ना कुछ कैशबैक मिल जाए इससे और आप लोग को फ़ायदा पहुँचे। और दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग अमेजोन पे को ही यूज कीजिए, आपको जो वेबसाइट अच्छा लगता है उस वेबसाइट को यूज कीजिए जहाँ से आपको शॉपिंग करने में या ट्रेन टिकट बुक करने में या फ़्लाइट टिकट बुक करने में सस्ता पड़े, वो चीज़ को आप लोग यूज कीजिए। लेकिन आप लोग एक बार ज़रूर अमेजोन पे को भी आप वहाँ पर कंपेयर में रख लीजिए, क्योंकि अमेजोन पे पर कुछ ना कुछ कैशबैक मिल जाता है हमेशा। या तो रिचार्ज कीजिए, शॉपिंग कीजिए, गैस गैस का बुकिंग कीजिए, बिल का ड्यू बिल होगा उसको आपके ई पेमेंट कीजिए, सारा चीज़ में आपको कुछ ना कुछ कैशबैक मिलता जाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ले चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर, दिखाते हैं कि कैसे फ्लाइट टिकट को बुक किया जाता है अमेजोन पे से। सो चलिए लेकर चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। सो दोस्तों जैसा कि मैं मोबाइल के स्क्रीन पर आ चुका हूँ और अभी आपको लेकर चलता हूँ अमेजोन पे पर और दिखाता हूँ कि अमेजोन पे से फ़्लाइट टिकट को बुक कैसे करना है। तो दोस्तों चलिए मैं अमेजोन पे खोल लेता हूँ और अमेजोन पे खोलने के बाद आपको ट्रेवल वाले सेक्शन में आ जाना है। तो चलिए मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं अमेजोन पे वॉलेट वाला जो ऑप्शन वहाँ पे लिखा हुआ है, सो अमेजोन पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सब कुछ आपको दिख जाएगा, यहाँ पर अमेजोन पे UPI ये सब चीज़ आपको दिखेगा, यहाँ पर रिचार्ज होगा, मोबाइल रिचार्ज, DTH रिचार्ज, ये सब चीज़ दिख जाएगा। और यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको फ़्लाइट का भी दिखेगा, फ़्लाइट, ट्रेन और बस तीनों का आपका दिख जाएगा। तो चलिए फ़्लाइट पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सर सिलेक्ट करना है कहाँ से कहाँ जाना है, तो फ्रॉम में कहाँ से जाना है, तो मुझे पटना से जाना है तो पटना सेलेक्ट कर लेते हैं। पटना सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको ओके कर लेना है। उसके बाद आपको कहाँ जाना है वो चीज़ देख लेना है, मतलब कहाँ से कहाँ तक है, तो उस चीज़ को सिलेक्ट कर लेना है। पटना टू हैदराबाद को मैं सेलेक्ट कर लिया। करने के बाद दोस्तों आपको नीचे में आप देख सकते हैं ये वो डेट का सेक्शन हो, तो यहाँ पर आप डेट आप देख लीजिए, इसमें कौन सी डेट में आपको जाना है, जो भी डेट में आपको जाना है उस डेट को आप चूज कर लीजिएगा। यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके आप यहाँ से डेट को चूज कर सकते हैं, जिस भी डेट में जाना होगा तो उस डेट को चूज कर लेना है। तो चलिए मैं 31 दिसंबर को मैं चूज कर लेता हूँ। सो आपको 31 पे जो भी आपको डेट करना है उसको चूज कर लेना, उसके बाद आपको फाइंड फ्लाइट पर क्लिक करना है। सो दोस्तों जैसे ही फाइंड फ्लाइट पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा फ्लाइट का ऑप्शन आ जाएगा, जितना भी फ्लाइट होगा उस डेट में जाने वाला सारा फ्लाइट का आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे नॉन स्टॉप और स्टॉप दोनों फ्लाइट आपको दिखेगा। अगर आपको नॉन स्टॉप करना है तो आपको नीचे देखिए राइट साइड सेक्शन में नीचे कॉर्नर राइट साइड में आपको यहाँ पर दिखेगा नॉन स्टॉप, तो उस पर आपको क्लिक कीजिएगा। सो दोस्तों उस पर जैसे क्लिक कीजिए आपका नॉन स्टॉप आपका जितना ही फ्लाइट रहेगा आपका दिखाई दे जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर देख सकते एक ही फ्लाइट है पटना से हैदराबाद नॉन स्टॉप, जो कि इंडिगो है आपका 16:40 और इसकी MRP है 6357 रुपये, आपको यहाँ पर शो कर रहा होगा। और उसके बाद 10% एडिशनल कैशबैक का भी यहाँ पे ऑप्शन यहीं पे दे रहा है, तो कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिक वो अप्लाई हो जाता है 10% कैशबैक जो भी होगा, और इंस्टेंट आपको मिल जाता है। सो उसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर चेक कर लेना, अच्छे से देख लीजिएगा कि आपका जो फ़्लाइट है कितना तारीख को है और कितने बजे से कितने बजे है, वो सब चीज़ यहाँ पर शो कर देगा। और उसी के जस्ट नीचे आप देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा आपका जो भी कैशबैक अप्लाई हुआ होगा वो सारा चीज़ आपको दिख जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोमेटिक 10% कैशबैक जो है 464 रुपया वो अप्लाई हो चुका है। और ये जो पैसा है कब आएगा दोस्तों, जैसे ही आपका टिकट बुक होगा इंस्टेंट आपके वॉलेट में आ जाएगा, अमेजोन पे का वॉलेट में आपको इंस्टेंट आ जाएगा उतना रुपया। सो यहाँ पर आपको सारा चीज़ देख लेना है जैसे आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर पेमेंट वाले सेक्शन में यहाँ पर देख लेना है, आपका अमाउंट दिखाई दे जाएगा 3357 और व्यू फेयर पर क्लिक करके पूरा देख सकते हैं, पूरा डिटेल से उसका देख सकते हैं कितना कितना कहाँ पे लग रहा है। तो उसको चलिए नेक्स्ट प्रोसेस पर करना क्लिक। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ये पैसेंजर नेम डालना है, पैसेंजर नेम डालने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एड न्यू एडल्ट लिखा हुआ है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दे देना है जैसे टाइटल में क्या है, मिस्टर है, मिसेज है, जो भी लिखना है। उसके बाद आपको नेम डाल देना है, नहीं तो आपके पास अगर पहले से कई ट्रेन वगैरह कुछ भी बुकिंग किए होंगे तो यहाँ पे आपको नेम पहले से दिया होगा, तो उसी
अगर उस बंदे को जाना है तो उसी को आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए मैं उसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, चंदन कुमार। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे में यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना और मेल आईडी आपको डाल के कन्फर्म करना है। सो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है, मेल आईडी डालना है, दोनों डाल के कन्फर्म करना है। तो चलिए मैं डाल लेता हूँ। सो दोस्तों मोबाइल नंबर और मेल आईडी डाल के कन्फर्म कर लिया। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका बुकिंग के लिए आ चुका है और लास्टली यही है, यही पेज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा रिव्यू बुकिंग, आपको यहाँ पर दिखेगा ऊपर में, देखिए। तो ये लास्ट है, इसी में आपको सारा कुछ देख लेना, अच्छे से देख लेना है, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जाएगा पेमेंट पे। तो यहाँ पे आप अच्छे से देख लीजिएगा जो भी फ्लाइट है, कितने बजे से कितने बजे है, क्या टाइम है, और सारा चीज़ अच्छे से देख लीजिएगा, अमाउंट वगैरह सब कुछ देख लीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद आपको सारा कुछ देखना है दोस्तों। सारा कुछ देखने के बाद आपको यहाँ पे हम नीचे में क्लिक करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे स्क्रॉल डाउन करके आपको यहाँ पे एग्री एंड कंट्री पे क्लिक करना है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे टिक करना है, यस का टिक लगाना है। और उसके बाद आपको एक बार फिर से कंफर्म देख लीजिएगा कि सही है कि नहीं है। सो उसको आपको देख लेना है। देखने के बाद आपको नीचे पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। सो दोस्तों प्रोसेस टू पेमेंट पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने अगला पेज खुल के आएगा और ये पेमेंट का ऑप्शन आएगा। सो पेमेंट में आपको जाना है। पेमेंट में आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन देगा आपको, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या UPI, नेट बैंकिंग, तो जो चीज़ से आपको करना है उस चीज़ से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो आपको जो भी अदर UPI का मतलब है कि आपको गूगल पे, फ़ोनपे जो भी करना है वो सब कर सकते हैं। तो चलिए मैं क्रेडिट कार्ड से करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा क्रेडिट कार्ड ऑलरेडी सेव है पहले से, और इसमें CVV नंबर डालना है। सो चलिए मैं CVV नंबर डाल देता हूँ। डालने के बाद दोस्तों आपको ये सब कुछ, उसके बाद पे नाउ पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं पे नाउ पे क्लिक कर दिया। तो दोस्तों पे नाउ पे जब भी क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपको कोई भी रिफ्रेश बटन नहीं करना है या बैक बटन कुछ नहीं दबाना है, नहीं तो आपका पैसा कट जाएगा और आपका टिकट भी बुक नहीं होगा। तो चलिए आपको वेट करना है OTP का। OTP जैसे ही आएगा सो OTP को यहाँ पर फिलअप कर लेना है। OTP को फिलअप करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जैसे OTP फिलअप करेंगे और उसके बाद यहाँ पर नीचे सबमिट का बटन देगा, और EMI में करना तो EMI का भी आपको ऑप्शन देगा नीचे में, तो उसमें भी आप भर लीजिएगा, नहीं तो आपको सबमिट करना है। जैसे ही सबमिट करेंगे तो थोड़ा सा वेट करने के लिए बोलेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके बाद आपका जो होगा बुकिंग सक्सेसफुली कंफर्म हो जाएगा। सो थोड़ा सा वेट करना और देखना कि आपका, देखिए कैसे थोड़ी देर में आपका जो होगा फ्लाइट टिकट बुक हो जाएगा। जैसे कि अमाउंट कट चुका है 357 रुपये यहाँ पर देख सकते हैं, और उसके बाद यूर बुकिंग कन्फर्म आपको यहाँ पर शो कर देगा, और ग्रीन टिक आपको यहाँ पर दिखाई दे दिया कि योर बुकिंग इज कन्फर्म, और यहाँ पर कहाँ से कहाँ जाना है सारा चीज दे दिया दोस्तों। और उसी के जस्ट नीचे आप देख सकते हैं डाउनलोड टिकट, यानी कि डाउनलोड, यहाँ से टिकट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं या तो आपके मेल पे वो भेज देगा टिकट। और उसके नीचे आपको व्यू बुकिंग डिटेल पर क्लिक करके आप पूरा बुकिंग डिटेल देख सकते हैं, ट्रांजेक्शन ID वगैरह सारा चीज़ आपको यहाँ पर दिख जाएगा, पैसेंजर नेम ये सब कुछ आपको दिख जाएगा। जैसे व्यू बुकिंग डिटेल पर क्लिक कीजिएगा सारा चीज़ आपको ऐसे दिखेगा। और अगर आपको टिकट ये करना है कैंसिल वगैरह करना, तो सारा चीज़ आपको यहीं पे आपको मिल जाएगा कैंसिल करने का। सो ऐसा ही करके आप टिकट बुक कर सकते हैं अमेजोन पे से। सो दोस्तों आई होप कि वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया कृपया चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।